इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आज का हम लोग का टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यह ऐसा जो है आपका जो है ये कंसेप्ट है कि जिसके बारे में जो है अच्छा से जान लेने के बाद फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक को बहुत अच्छा से डील करने में इससे हम लोग को जो है हेल्प मिलता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है हम लोग यह जाने। तो किसी भी एरिया, कोई भी यदि एरिया हो वह इनक्लोज्ड हो तो उससे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन जो है उस एरिया के का जो सरफेस होगा उसके अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये देखिए जितने भी ये सब डॉट 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 जो लाइन है इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस एरिया के परपेंडिकुलर जो है डायरेक्शन से होकर पास कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से होकर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पास करते हैं सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है परपेंडिकुलरली पास ना करके किसी दूसरे एंगल पर ये यदि पास करता तो हम लोग इसे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बोलते। तो ये देखिए आपका यह एक एरिया है, इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन जो है पास किए हैं। तो जितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन जो है पास करेंगे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इसको मैथमेटिकली तौर पे हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वेक्टर ई से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है और वेक्टर डी ए से एरियल वेक्टर को डिफाइन किया जाता है। एक वेक्टर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा वेक्टर है आपका एरियल वेक्टर। ये दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो है हम लोग देखते हैं क्या कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो जो है डॉट प्रोडक्ट के रूल से क्या होगा ई डी ए कॉस थीटा। तो अब थीटा की बात कर ले कि थीटा का मतलब क्या होता है। तो थीटा जो है आपका ये देखिए इस पिक्चर में थीटा जो है आपका ई और डी ए के बीच का जो है एंगल है। ये जो डॉट लाइन है वो डॉट लाइन जो है एरियल वेक्टर डी ए को जो है शो करता है और ये जो आपके डॉट लाइन है जो कि वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है शो करता है। तो वेक्टर ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है तो दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो थीटा हो गया। अब हम देखते हैं कि वेक्टर ई का जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में क्या होगा तो ई कॉस थीटा होगा। ये है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से होकर पास किए हैं और ये जो डॉट लाइन है हम लोग इस पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किए हैं। जो यह नॉर्मल जो लाइन है यह जो है इस एरिया के एरियल वेक्टर को शो कर रहा है वेक्टर डी ए के साथ। तो फिर जो है हम लोग यह देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है आपका डी फाई उसका वैल्यू हो गया क्या ई डी ए कॉस थीटा, मतलब डी फाई इक्वल टू डी ए ई कॉस थीटा भी इसको हम लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इस पर क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ टोटल इनक्लोज एरिया। यदि मेरा इनक्लोज एरिया ये देखिए यदि मेरा यह इनक्लोज एरिया है तो हम इसको चाहें तो बहुत सारे छोटे छोटे एरिया में जो है डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए ऐसा ही यहाँ पर इसमें फिगर बनाया हुआ, फिर हम चाहते तो इसको ऐसे बना लेते फिर चाहते तो हम इसको यहाँ से इस तरह से बना लेते। ये जो छोटे छोटे एरिया हो गए ये देखिए डी ए या भी आपका डी ए या भी आपका डी ए ये छोटे छोटे जो एरिया है डी ए 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 और ये जो डॉट लाइन है वो डॉट लाइन ये शो कर रहा है कि इसके अंदर में कोई चार्ज है, चार्ज स्टैटिक है, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पास कर रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पास करने के साथ साथ जो है पूरे एरिया जो इनक्लोज एरिया है उससे जो है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक्ड होगा मतलब टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो एक एरिया का हम फ्लक्स फाइंड कर चुके हैं उसका वैल्यू क्या था तो डी फाई इक्वल टू ये देखिए डी फाई इक्वल टू डी ए ई कॉस थीटा। अब इसी का यदि हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो पूरा एरिया का जो है टोटल एरिया का फ्लक्स निकल गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ टोटल इनक्लोज एरिया। तो क्या हुआ है कि डी फाई का जो है इंटीग्रेशन हुआ है
ये देखिए इंटीग्रेशन का जो साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बीच में एक सर्किल, इसका मतलब क्या है? इस सर्किल का मतलब है कि पूरे क्लोज जो एरिया है इसका इंटीग्रेशन हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सरफेस इंटीग्रल। इसका नाम है सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि बीच में जो ऐसे जो है सर्किल दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल। तो डी फाई का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो फाई होगा। फाई का मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्स, मतलब टोटल एरिया का जो फ्लक्स होगा वह निश्चित ही बहुत ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो ये रहा फ्लक्स का रियल फॉर्मूला कि इंटीग्रल ये आपका क्या है, सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा।